में देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, दशमलव का प्रयोग करना है। अब आपको कैसे करना है, पैसे में दे रखा है जैसे, तो आप इसको क्या करोगे, रुपए में चेंज करेंगे। पहला जैसे क्वेश्चन है 7 पैसे, तो इसको रुपए में चेंज करना है, तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो इसको अपने रुपए में चेंज करने के लिए किससे भाग देंगे, 100 से भाग देंगे। अब नीचे कितनी जीरो है, 2 जीरो, तो ऊपर पॉइंट भी कितने के बाद लगेगा, 2 के, 1 तो 7 है, 1 जीरो लगानी पड़ेगी, तो 0.07 रुपए, पता चला। yes, ma'am, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें रुपए भी दे रखे हैं, पैसे भी दे रखे हैं, तो रुपए को दे रखे हैं वो तो रुपए पड़े रहने दो, पैसे को रुपए में चेंज करो, 7 पैसे है, रुपए में चेंज करोगे तो 100 से भाग दोगे, 2 ही 0 है, वही 2 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 7.07। इसी तरह देख, इसके बाद ये 7 है तो 7.07। अब इसमें देखो 70 रुपए 70 पैसे है, 70 रुपए है ठीक है, प्लस अब पैसे वाले को रुपए में चेंज करेंगे तो 70/100, यहाँ पे कितने के बाद है, 0 कितनी है, 2, तो ऊपर पॉइंट भी कितने के बाद लगेगा, 2 के, तो 70.70 रुपए वाला। अब यहाँ पे पैसे है 235, 235 बटा में क्या आएगा, 100, 2 जीरो है, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2 पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ, तो 2.35 रुपए। पैसे को रुपए बदलना है, 100 से भाग देना है, और फिर क्या करना है, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है, यदि 1 संख्या है तो उसके आगे 1 जीरो लग जाता है जैसे इसमें लगाया था, यदि ज्यादा संख्या है 2 के बाद पॉइंट लगा दो, बस। ये आपका था दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद देखते हैं। इसी तरह तीसरे क्वेश्चन में आपको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में दे रखा है, आपको क्या करना है, इनको मीटर और किलोमीटर में चेंज करना है, और इसको सेंटीमीटर में भी करना है, फिर मीटर में करना है, और फिर किलोमीटर में करना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना तो सभी को पता होगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करना है, तो 5/100, 2 जीरो है, ऊपर 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 5.05 मीटर, ये हो गया मीटर। अब इस मीटर को चाहे तो इसको सीधा चेंज कर लो किलोमीटर में, तो भी चाहे इस मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लो, तो 1 मीटर, मीटर की बात करोगे तो आपको 1000 से करना पड़ेगा, तो 1 मीटर किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो अब इस मीटर को किलोमीटर में चेंज करोगे, अब इसको किससे भाग दोगे, 1000 से, क्या है, 0.05/1000। अब पहले 2 के बाद तो पॉइंट है ही है, अब अपने को 3 किलो हटानी है, अब फिर पॉइंट कितने के बाद और लगाना है, पॉइंट को और आगे कितना लेके जाओगे, 3 संख्याएं, ये 2 को गिनना नहीं है क्योंकि ये तो पहले वाला ही है, अब 3 और चाहिए अपने को, तो 1 2 3 पॉइंट, ये 3 को हटाओगे तो पॉइंट यहाँ पे जाएगा, इतने किलोमीटर। आई समझ में, अब इसमें एक बात और है, इसमें अलग है, 35 मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो पहले सेंटीमीटर में करना है ना इसको, इसको पहले 10 से भाग देंगे, 35 को पहले क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे, तो 3.5, फिर इसको करोगे, फिर 100 से भाग दोगे उसके लिए मीटर में, फिर इसको दोबारा 1000 से भाग दोगे तो फिर ये किलोमीटर में। ये क्वेश्चन आपने समय हल करना है, तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन भी पूरा हुआ। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, बस इकाइयों को चेंज करना आपको आना चाहिए। अब इसमें ग्राम में है और इसको किलोग्राम में चेंज करना है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो अब इसको क्या करोगे, 200 है तो इसको किससे भाग देना है, 1000 से भाग देना है, तो नीचे कितनी जीरो होगी, 3, तो ऊपर कितने के बाद पॉइंट लगेगा, 3 के, तो 1 2 3, तो कितना आ जाएगा पॉइंट, 200 किलोग्राम। इसी तरह इसको करोगे, 1000 से भाग दोगे, ऊपर 3 के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 3.470 किलोग्राम, ये आ
रोशनी से प्रकार है। इसके बाद अपने देखते हैं बी। इसके बाद देखो पांचवा क्वेश्चन, इसको क्या करना है, विस्तारित रूप में लिखना है। तो विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं, ये है पॉइंट, पॉइंट इधर की संख्या जो पहली संख्या है वो इकाई हुई, उसको एक से गुणा करते हैं, दूसरी संख्या को दस से, यदि तीसरी संख्या बी हो तो उसको कितने से गुणा करेंगे, सौ से, चौथी डी हो तो हजार से, और इधर की साइड चलते हैं तो पहली संख्या के नीचे दस लगाते हैं, दूसरी के नीचे सौ लगाते हैं, तीसरे के नीचे हजार लगाएंगे। ये सिक्वेंस आपको याद होना चाहिए पॉइंट से लेकर, पॉइंट से बाद पहली संख्या को एक से गुणा, दूसरी को दस से, तीसरी को सौ से, इसी तरह इधर दस से बाद सौ से, और इस प्रकार विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं, एक बार देखो क्या दिया है, दो दूसरी संख्या पॉइंट के बाद पहली दूसरी, तो दूसरी को किससे गुणा करते हैं, दस से, तो दो गुणा दस प्लस, फिर प्लस का निशान लगाना है, जीरो है, पहली संख्या को किससे गुणा करते हैं, एक से, जीरो गुणा एक प्लस, इधर क्या है जीरो, तो जीरो बटा में पहली संख्या है, तो जीरो गुना एक बटा में दस प्लस, फिर दूसरी संख्या है दूसरी को सौ से, तो तीन गुना एक बटा में सौ प्लस, विस्तारित रूप में समझ में आया, उसी तरह इसको लिखेंगे। ये तो पॉइंट के बाद पहली संख्या ही है, पहली संख्या को तो एक से गुना करना है, तो क्या लिखेंगे, दो गुना एक प्लस, इधर पहली संख्या है जीरो गुना एक बटा दस, तीन गुना एक बटा में सौ, ये वाला सीक्वेंस आपको याद होगा, कितनी भी संख्या दी हो विस्तारित रूप में आप उतनी ही संख्याओं को इस प्रकार गुणा करके प्लस करके लिख सकते हो। आपको बस पॉइंट से याद रखो, एक दस सौ, इधर एक बटा दस, एक बटा सौ, एक बटा में हजार, फिर उसी अकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर दो। ये आपका है विस्तारित रूप, पांचवा क्वेश्चन पूरा हुआ। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, आपको सारे ऐसे लिखी हुई दे रखी है और आपसे पूछा है कि दो का स्थानीय मान लिखना है, दो का स्थानीय मान। अब देखो यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद अपनी संख्या पढ़नी स्टार्ट करते हैं, तो इसको कांस क्या पढ़ते हैं, पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे दो कौन से स्थान पर है, इकाई, यहाँ पे दो का स्थानीय मान क्या है, इकाई। अब इसमें पढ़ेंगे तो इकाई किस पे आ गया, ये दहाई, तो इसमें दो का स्थानीय मान क्या हो गया, दहाई। अब पॉइंट के बाद इस साइड कैसे पढ़ते हैं, कि पॉइंट के लिए तो अपनी संख्या पढ़नी बहुत आती है, सभी को आती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, इस प्रकार पढ़ती है, लेकिन पॉइंट के उस साइड की आपको दो या तीन तक पता होनी चाहिए। तो पॉइंट के बाद पहली बार दो दे रखा है, पॉइंट के बाद पहली संख्या पर ही दो दे रखा है, तो ये क्या होता है, दशांश, ये क्या होता है, दशांश। पॉइंट के बाद दूसरी संख्या पर दे रखा है तो ये होता है शतांश, शतांश। पॉइंट के बाद आपसे दो का स्थानीय मान पूछा है, चाहे किसी और संख्या का पूछा हो, जिस भी संख्या का पूछा है, पॉइंट के बाद यदि वो पहले पर दे रखी है तो वहां पर उसका स्थानीय मान दशांश है, और पॉइंट के बाद अगले दो नंबर पर दे रखी है तो उसका है स्थानीय मान शतांश, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये था आपका छठा क्वेश्चन। इसके बाद देखो सातवां क्वेश्चन, आपको क्या दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति है वो क्या करता है, कोई सी बिंदु ए पर है, वो पहले तो क्या करता है, ए से बी तक जाता है, फिर बी से सी तक जाता है, तो ए से बी तक जाने में उसको इतनी दूरी तय करनी पड़ती है, बी से सी तक जाने में उसको इतनी दूरी तय करनी पड़ती है, वही व्यक्ति द्वारा क्या करता है, ए से डी तक जाता है, फिर डी से सी तक जाता है, तब उसको इतनी इतनी दूरी तय करनी पड़ती है। तो आपसे क्या पूछा है कि वह कौन से रास्ते से जाए उसको कम दूरी तय करनी पड़े, तो पहले अपने क्या करेंगे, ए से बी तक उसने कितनी दूरी तय की, 7.5, फिर बी से सी तक उसने तय की, पहले इन दोनों का योग 7, 5, 12, 7, 2, 9, 1, 10 उसने तय की 20.2 किलोमीटर दूरी, फिर अपने इस रास्ते की देखेंगे तो 9.3, 11.8, 8, 3, 11, 9, 1, 10, 11, 21.1 किलोमीटर। अब कौन से रास्ते से वो जाएंगे उसको कम दूरी तय करनी पड़ेगी, पहले वाले रास्ते से, पहले ए से बी जाए, फिर बी से सी जाए तो उसको कम दूरी तय करनी पड़ेगी, और फिर वो पूछता है कि कितनी कम दूरी तय करनी पड़ेगी, कितनी कम, किससे जाएगा तो इतनी, किससे जाएगा तो इतनी, कितनी कम पूछा आदमी,
में से है मैम, एक में से दो जाते नहीं। तो हासिल लेने नहीं आती, घटा नहीं आता मैडम। तो उसी अकॉर्डिंग ये आपका है सातवां क्वेश्चन। आठवां और नौवां क्वेश्चन सेम इसी के बेस पे है। नौवें क्वेश्चन में सीधा सीधा लिख रखा है कि इतने में